वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज हम प्लस टू क्लास का नेक्स्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि डिमांड क्या होती है। देखो, डिमांड को हिंदी में मांग बोलते हैं। तो मांग किसी वस्तु की वो क्वांटिटीज हैं, मात्राएं मीन्स क्वांटिटीज हैं, जो अन्य बातें समान रहने पर एक उपभोक्ता यानी कंज्यूमर समय की एक निश्चित अवधि में यानी एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर डिफरेंट प्राइस पर खरीदने के योग्य है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ आइसक्रीम का प्राइस दिया हुआ है कि वो 1 रुपए पर कितनी क्वांटिटीज खरीदेगा, 5, 2 रुपीज पे 4, 3 पे 2 क्वांटिटीज खरीदेगा, और जब प्राइस आइसक्रीम का 4 रुपीज हो जाएगा तो वो 1 क्वांटिटीज खरीदेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मांग जो है किसी वस्तु की वो क्वांटिटीज हैं, या आप देख रहे हैं 5, 4, 3, 2 यानी क्वांटिटीज हैं, जो अन्य बातें समान रहने पर एक कंज्यूमर निश्चित समय अवधि में यानी निश्चित टाइम पीरियड के अंदर और डिफरेंट प्राइस पर खरीदने के योग्य है। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है? मांगी गई मात्रा। तो किसी वस्तु की निश्चित कीमत पर उपभोक्ता उस वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने के योग्य होता है उसको बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। एग्जाम्पल के लिए, अगर 1 रुपए प्राइस पर वो कंज्यूमर जो 5 आइसक्रीम ही खरीदता है, इसको क्वांटिटी डिमांडेड बोलेंगे। तो डिफरेंस जो है डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड का ये है कि यहाँ पर क्वांटिटीज हैं, मात्राएं हैं, और यहाँ पर एक पर्टिकुलर मात्रा है यानी क्वांटिटी है, ये दोनों का डिफरेंस है। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिमांड शेड्यूल। देखिए, ऐसी टेबल जिसमें प्राइस और क्वांटिटी यानी खरीदी गई मात्रा के रिलेशन को प्रकट किया जाता है, क्या कहलाती है? मांग तालिका या डिमांड शेड्यूल बोला जाता है उसको। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ एक टेबल बनाई है, इसमें इधर प्राइस ऑफ आइसक्रीम दिखाया गया है और इधर क्वांटिटी डिमांडेड यानी खरीदी गई मात्रा को दिखाया गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 रुपए प्राइस पर 4 चीजें खरीदी गई हैं, 2 पर 3 और 3 पर 2 और 4 पर 1। तो यानी जिसमें प्राइस और क्वांटिटी यानी दोनों के रिलेशन को दिखाया गया, प्रकट किया गया है, उसको मांग तालिका या डिमांड शेड्यूल बोला जाता है। ये 2 टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट टाइप होती है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। देखिए, व्यक्तिगत मांग तालिका क्या होती है? एक निश्चित समय अवधि में यानी एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर एक व्यक्ति किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर यानी डिफरेंट प्राइस, यहाँ गिवन है 1, 2, 3, 4 डिफरेंट प्राइस पर उसकी जितनी मात्राओं की मांग करेगा यानी 4, 3, 2, 1 ये मात्राएं हैं, तो उस टेबल को हम व्यक्तिगत मांग तालिका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहेंगे। हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की जो एक्सप्लेनेशन है उसको किस तरह से करना है, हमने ऐसे लिखना है कि टेबल से ये पता चलता है कि जैसे जैसे आइसक्रीम का प्राइस बढ़ रहा है उसकी मांगी गई मात्रा कम होती जा रही है। जब प्राइस 1 रुपया आइसक्रीम था तो डिमांड 4 आइसक्रीम थी, और जब प्राइस बढ़कर 4 रुपये आइसक्रीम हो जाता है तो डिमांड कम होके 1 आइसक्रीम ही रह जाती है। तो होता है इसमें डिमांड शेड्यूल में मार्केट डिमांड शेड्यूल। देखिए, ऐसी टेबल जिसमें डिफरेंट प्राइस पर किसी वस्तु की बाजार में सभी परचेजर यानी सभी कंज्यूमर भी बोल सकते हैं कि कुल डिमांड को प्रकट किया जाता है, उस टेबल को हम बाजार मांग तालिका के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने एक टेबल बनाई है, इसमें आइसक्रीम का प्राइस दिखाया गया है और यहाँ डिमांड दिखाया गया मिस्टर ए और मिस्टर बी। हम सुविधा की दृष्टि से 2 व्यक्तियों को बाजार मान लेते हैं। वैसे तो बाजार में बहुत सारे परचेजर होते हैं, बट अगर मैं परचेजर का लिखने लगूँ तो ये बोर्ड ही भर जाएगा, तो इसलिए अपनी सुविधा की दृष्टि से हमने 2 व्यक्तियों को, ए और बी को, मार्केट मान लिया है। तो जब प्राइस 1 रुपया है आइसक्रीम का, तो मिस्टर ए 4 क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, मिस्टर बी 5 डिमांड कर रहे हैं, तो मार्केट होगा 4 प्लस 5 तो 9 क्वांटिटी। इसी तरह जब प्राइस 2 रुपीज हो जाता है तो मिस्टर ए 3 आइसक्रीम मांग करते हैं और मिस्टर बी 4 आइसक्रीम का मांग करते हैं, तो इस तरह से टोटल आइसक्रीम की मांग 7 हो जाती है। और जब प्राइस बढ़ के 3 रुपये हो जाता है तो मिस्टर ए अपनी डिमांड कम कर देते हैं 2 आइसक्रीम, और इसी तरह मिस्टर बी 3 आइसक्रीम, तो मार्केट हो जाती है 2 और 3 जुड़ के 5। और जब प्राइस बढ़ के 4 हो जाता है तो मिस्टर ए 1 आइसक्रीम की डिमांड कर रहे हैं, मिस्टर बी जो है 2 आइसक्रीम की डिमांड कर रहे हैं, और मार्केट डिमांड 3 हो जाती है। तो यानी ऐसी टेबल जिसमें डिफरेंट प्राइस पर सभी परचेजर, ये सभी परचेजर हैं ए और बी, इनके द्वारा ये जो कुल मांग को दिखाया गया है, दिखाया जाता है, तो ऐसी टेबल को मार्केट डिमांड शेड्यूल बोला जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिमांड कर्व। देखिए, ऐसा कर्व जो प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशन को दिखाता है वो क्या कहलाएगा? डिमांड कर्व कहलाएगा। ये भी 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो ऐसा कर्व जो वस्तु के विभिन्न प्राइस पर
ये आप देख रहे हैं विभिन्न प्राइसेज है 1, 2, 3, 4 और ये कर्व है। तो एक उपभोक्ता द्वारा यानी एक कंज्यूमर द्वारा बोल सकते हैं, एक व्यक्ति द्वारा बोल सकते हैं, उस वस्तु की मांगी गई मात्राओं को प्रकट करता है। ये देखिए मात्राएं दिखाई गई हैं 1, 2, 3, 4। ऐसे कर्व को इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहा जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसका एक्सप्लेनेशन किस तरह से है। देखिए ओ एक्स पर हमने क्या लिया है, क्वांटिटी को दिखाया गया है। किसको दिखाया गया, क्वांटिटी को। सबसे पहली बात आपने ये लिखनी है, उसके बाद लिखना है ओ वाई पर आपने क्या दिखाया, प्राइस को दिखाया है। और डी डी हमारा क्या है, डी डी हमारा डिमांड कर्व है। क्या कर्व है, डिमांड कर्व। और डिमांड कर्व का जो प्रत्येक पॉइंट है, ये हर एक बिंदु कह सकते हैं या प्रत्येक पॉइंट कह सकते हैं, ये प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशन को दिखा रहा है। जब प्राइस जो है हमारा 4 रुपीज है तो क्वांटिटी 1 है, और जब प्राइस घट के 1 रुपया रह जाता है तो हमारी क्वांटिटी बढ़ के 4 हो जाती है। तो हम वही टेबल ले सकते हैं, कैसे बनानी है टेबल, प्राइस को ले लो 1, 2, 3, 4 और क्वांटिटी को हम अपोजिट कर सकते हैं 4, 3, 2, 1, क्योंकि प्राइस बढ़ने से डिमांड हमेशा ही कम हो जाती है। तो हम इस टेबल को माइंड में रखेंगे और इससे हमारे जो है कर्व जल्दी से जल्दी बन जाएगा। और इसमें सेकंड होता है मार्केट डिमांड कर्व यानी बाजार मांग वक्र। देखिए ऐसा कर्व जो वस्तु की विभिन्न कीमतों पर बाजार में सभी उपभोक्ताओं यानी सभी परचेजर द्वारा मांगी गई मात्राओं के जोड़ को प्रकट करता है, ऐसे कर्व को क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड कर्व बोलते हैं। तो यहाँ हमने ए का डिमांड कर्व दिखाया है, यहाँ मिस्टर बी का डिमांड कर्व दिखाया है और ये मार्केट डिमांड कर्व दिखाया है। तो हम बनाएंगे कैसे, इसके लिए आपको क्या करना है, प्राइस लेना है 1, 2, 3, 4, उसी टेबल को याद रखना है, अपोजिट टेबल यानी 4, 3, 2, 1। और बी के लिए 5 से शुरू करेंगे, 5, 4, 3, 2, या अगर आप चाहें तो 6 से भी शुरू कर सकते हैं, और इन दोनों का जोड़ यहाँ लेते जाना मार्केट में डिमांड में, और इस तरह से आपका मार्केट डिमांड कर्व कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा एक्सप्लेनेशन क्या करनी है। देखिए जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें ए का डिमांड कर्व है, सेकंड में बी का डिमांड कर्व है, और थर्ड जो डायग्राम है इसमें मार्केट का डिमांड कर्व है। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से करेंगे कि ओ एक्स पर जो है हमने क्वांटिटी दिखाई है, क्या शो कर रहे हैं, क्वांटिटी, और ओ वाई पे हमने प्राइस दिखाया है। और जब लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि कोई दो पॉइंट्स लेंगे हम, कि जैसे या तो हम फर्स्ट और सेकंड ले सकते हैं या फर्स्ट और लास्ट ले सकते हैं। तो जब प्राइस 1 रुपीज है तो ए का डिमांड 4 है और बी का 5 है, तो मार्केट डिमांड हमारी 9 क्वांटिटीज हो जाती है। इसी तरह या तो हम सेकंड पॉइंट ले सकते हैं, लास्ट लेना बेटर रहता है, कि जब प्राइस 4 है तो ए का डिमांड 1 क्वांटिटी है, बी का 2 क्वांटिटीज है किसी वस्तु का, और मार्केट जो डिमांड है वो 3 क्वांटिटीज है। तो इस तरह से हम एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। और साथ में हमें यह भी बताना पड़ेगा कि जो डी डी का स्लोप है वो नेगेटिव है, इससे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का इनवर्स रिलेशनशिप शो हो रहा है, यानी जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड घटती जा रही है। तो स्टूडेंट्स आज का लेसन यहीं तक, इसका रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देंगे। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।